भारतीय फुटबॉल में कम ही देखने को मिलते हैं। खचाखच भरा डीवाई पाटिल स्टेडियम, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की जानी मानी हस्तियां सभी मौजूद थी। सौरभ गांगुली की एथलेटिको डी कोलकाता और सचिन तेंदुलकर की केरला ब्लास्टर्स में से एक टीम बनने वाली थी हीरो आईएसएल की पहली चैंपियन। मैच में रोमांच शुरुआत से बना रहा, मगर दोनों ही गोलकीपरों के बेहतरीन बचाव के सामने सभी के शॉट फीके रह गए। 75वें मिनट में कोलकाता ने पेनल्टी की गुहार लगाई, मगर रेफरी ने उन्हें नकार दिया। 7 मिनट बाद माइकल चोपड़ा के पास केरला को चैंपियन बनाने का मौका था, पर कोलकाता के कीपर ने किया एक अविश्वसनीय बचाव। किसी को नहीं मिला। निर्धारित समय खत्म होने में बस कुछ सेकंड ही बचे थे कि आया मैच में निर्णायक गोल। कोलकाता को मिला कॉर्नर और मोहम्मद रफीक ने हेडर लगाकर गेंद को गोल में डाल दिया। केरला का खिताब जीतने का सपना चूर चूर हो गया, लेकिन सौरभ गांगुली और उनकी एथलेटिको डी कोलकाता के लिए जश्न का वक्त था। आगे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हीरो इंडियन सुपर लीग के पहले चैंपियन के तौर पर दर्ज हो गया है।